हे एवरीवन, वेलकम बैक विद द चैनल एलन्स वेंचर। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गुड़ बनाने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह शुगर केन को यहाँ पे कोल्हू में लाया जाता है और द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड़। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं हमारे साथ जो हमें उसका कंप्लीट प्रोसेस समझाएंगे। हाय गाइज, हमारे साथ है मिस्टर देवेंद्र जी और हम आए हैं ढेला अहीर। ये नूरपुर के पास एक छोटा सा गाँव है। हम आज आपको बताएंगे कि देसी शुद्ध गुड़ कैसे बनता है। यहाँ पर आपको शुद्ध देसी गुड़ ही मिलेगा, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए, सबसे पहला प्रोसेस होता है, ये गन्ना खड़ा है हमारे पीछे, एक है गन्ने की। ये इस तरीके से किसान गन्ना पैदा करता है, उसके बाद ये कट के छटाई होके ये गन्ना आपके पास रखा हुआ है। इसको ये रो शुगर केन है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किन किन प्रोसेस से गुजरता है, उसके बाद ये गुड़ बनता है, कितनी मेहनत के बाद। ये कोल्हू है, इसको कोल्हू बोलते हैं, जिसमें गन्ने की पिलाई होती है और उससे रस निकलता है। गन्ने में से रस निकालने के प्रोसेस को पिलाई बोलते हैं। ये देखिए, कोल्हू चल रहा है, इसमें गन्ना लगेगा, वहाँ पर रस निकलेगा, फिर रस की वहाँ पर छनाई होती है। हाँ, तो ये हमारे देवेंद्र भाई अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से रस से हम गुड़ बनाएंगे। ये जो है उधर से गन्ना आ रहा है, इसमें जो है बर्तन में आता है, इसकी मैल्यूली उतारते हैं साफ करके, तब जाएगा जो है आगे पकता है और वो चाशनी आगे निकलेगी। वो भाई दिखाना था ना हमें भी, उधर से जो है वो चाशनी ठंडी होएगी, तब जाएगा वो गुड़ बनेगा। फिर वो गुड़ बना देते हैं हम इस तरह से। इसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। आप कितना सॉफ्ट है, देखिए बिल्कुल शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, शुद्ध कलर ये होता है गुड़ का। और ये देखिए बिल्कुल मसाला रहित, एकदम टेस्ट यम्मी। आप इसको सूखा खा सकते हो, खाना खाने के बाद इसको खाएंगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारे खाने को हजम करता है, इसके अंदर आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर इतने भरपूर मात्रा में होते हैं कि आप इसको डेली खाएंगे ना, खाना खाने के बाद एक महीने तक खाएंगे, आप अपने अंदर चेंजिंग नजर आएगी। हमारे यूट्यूब चैनल में आए, ये है गुड़, देसी शुद्ध गुड़। इसमें कोई मसाला मिक्स नहीं है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, शुद्ध गुड़ है जो गन्ने के रस से बना हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं इसकी कुछ खासियत है और इसको बनाने का तरीका। ये आप देख रहे हैं, ये एक नान है, इसके अंदर फैलाओ इसे फैलाओ। और ये है इनका गोदाम, यानी जहाँ पे ये गुड़ बनाने के बाद में स्टॉक करते हैं और यहाँ से इसको आगे की तरफ सप्लाई किया जाता है। तो देखा आपने इस वीडियो में जो गुड़ बनाने का प्रोसेस है वो किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल देसी चीज़ है, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। यहाँ से बनने के बाद में इसको आगे सप्लाई किया जाता है, ऑल ओवर इंडिया इसको सप्लाई किया जाता है।